दोस्तों, अगर आपको भी एजोला की ज़रूरत है तो हमें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो में जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉन्टेक्ट करके डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेवल विथ मी में, और मैं आपका दोस्त डॉक्टर मानिक। दोस्तों, आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक जगह जहां एजोला की खेती हुई है। तो दोस्तों, आप एजोला के बारे में सुने भी होंगे और नहीं भी सुने होंगे, पर इस वीडियो में मैं आपको एजोला के बारे में सारी जानकारी दूंगा। और हमारे साथ हैं आज के हमारे ड्राइवर नवीन, और हमारे साथ हैं हमारे पशु चिकित्सक गौरव गुप्ता। तो चलिए दोस्तों, आज की ट्रेवल में हम चलते हैं एजोला की खेती की ओर। पत्ती गिर गया ना। दोस्तों, मैं आपको एजोला की खेती दिखा रहा हूँ किस तरह से होता है। देखिए, वीडियो में काफी अच्छे दिख रहे होंगे, काफी घना ग्रो किया हुआ है। आपको एक जगह से हटा के दिखाता हूँ। ये देखिए, पानी में किस तरह से अपना लेयर बनाया हुआ है। आपको मैं हाथ से उठा के दिखा रहा हूँ। काफी बेहतरीन ग्रो किया हुआ है, आप देख सकते हैं। काफी कम मात्रा में ही दोस्तों, थोड़े समय में ही काफी ज्यादा ग्रो कर जाता है। यहाँ जो हमारे किसान भाई हैं, ये दिख रहे होंगे आपको, इन्हीं ने लगाया हुआ है यहाँ पे एजोला। तो ये हम भी यहाँ पे कलेक्ट करने आए हैं एजोला अपनी खेती के लिए, हम भी लगाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा किस तरह से एजोला यहाँ है, और एक बार आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा है और हम कलेक्ट कर रहे हैं अपने बैग में इसको लेने के लिए। जिस तरह से दोस्तों हमने ये जगह खाली किया, ये जगह कल तक ही पूरा भर जाएगा। नहीं लिए थे, हुआ कि भैया के लिए ही लिया था उस समय। अच्छा, इन्हीं के लिए लिया था। ये पाइप कमजोर है, आराम से यहाँ का निकाल लीजिए। ये भैया का ना बैल को निकाल निकाल के खिला दीजिए, यहाँ वाला निकाल दीजिए। तो अच्छे से खाता है ना? अरे इसमें ना 43% प्रोटीन रहता है इसमें। दोस्तों, हमारे साथ हैं हमारे गौरव जी, जो गौरव गुप्ता जो हमारे यहाँ के पशु चिकित्सक हैं। चलिए उन्हीं से बात करते हैं कि एजोला का क्या महत्व है और इसको किसान लोगों को क्यों लगाना चाहिए। पहले तो हमारे दर्शकों को हाय बोलिए। हाय, हमें अपना परिचय दीजिए। मैं गौरव कुमार गुप्ता, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, पशु औषधालय रनपुर में पदस्थ हूँ। आज भैया के लिए हम एजोला कलेक्ट करने आए हैं। एजोला एक ऐसा घास है जहाँ चारे की मंदी होती है, वहाँ भी हम एजोला को पानी में पैदा कर सकते हैं। और किसी भी मौसम में हम एजोला से घास पैदा करा सकते हैं एजोला के माध्यम से, और अपने एनिमल को सुलभ चारे की व्यवस्था कर सकते हैं अपने एनिमल के लिए। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि जैसे एजोला है जी, हम कौन कौन से जानवरों को खिला सकते हैं? एजोला आप गौवंशियों को भी खिला सकते हैं, और मुर्गी के लिए बहुत बेहतर होता है। मुर्गी की ग्रोथ, मुर्गी बदक की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि इसमें 43% प्रोटीन की मात्रा होती है, जो अदर कोई भी घास में इतना प्रोटीन नहीं होता है। तो जैसे ये एजोला हम लेके जा रहे हैं, जैसे अभी हमने एक पॉलीथिन कनेक्ट किया है ना, तो जैसे इसको लगाएंगे अपन, इतना बड़ा अगर टंकी बनाते हैं जैसे 10x10 का है ना, तो हमें पानी कितना रखना पड़ेगा उसमें? पानी 10 इंच रहता है भैया। हाँ, जमीन से जी जी। और उसमें कुछ खाद डालना पड़ता जी है क्या? जी, उसमें 10 kg आप गोबर डालिए, 10 kg मिट्टी, और 30 ग्राम सुपर फास्फेट जी जी। जो ये आप कैलकुलेशन बताए हम लोग को 10 किलो वाला जी, ये कितने बड़े एरिया में डालना है? लगभग आप 10x10 का आप तो टैंक बनाएंगे। हाँ, उसके लिए है। तो ये न्यूट्रिशन तो हम लोग एक बार डाल दिए, फिर उसको कितने दिन में चेंज करना है या फिर कब और एडिशनल देना है उसके? उसको आप महीने में बस उसका जो पानी रहता है वो चेंज करना है जी जी। ठीक। और जैसे 10x10 का हम लगाए, और जैसे एक पॉलीथीन अपन एजोला डाले हैं जी, तो कितने दिन में पूरा कवर कर लेगा भैया? ये 15 दिन में पूरे एरिया में कवर कर लेगा जी जी। और पर डे हम लोग को कितना प्रोडक्शन मिलेगा? पर डे आप 10x10 से आप तीन से साढ़े तीन केजी आप निकाल सकते हैं, और 2 दिन में वो पूरा फिर कवर हो जाता है भैया।
दो दिन में कवर। तो थैंक यू डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को बहुत काफ़ी जानकारी देने के लिए और हमारे किसान भाइयों को भी जिन्होंने काफ़ी अच्छा एजोला का खेती किया हुआ है। ये हमारे पशु सखी हैं, इन्होंने ये ग्रो किया हुआ है। हाँ हाँ, इनको भी काफ़ी अच्छी बधाई कि इतना अच्छा एजोला यहाँ पे ग्रो किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो में आपको आगे और जानकारी देता हूँ। दोस्तों ये रहा एजोला हमारा, इसे एक तरह का एक्वेटिक फर्न है, फर्न प्रजाति का है और पानी में ही उगता है। दोस्तों ये मेनली तो मस्कीटो वीड और डक वीड ये सब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका उपयोग बतख को खिलाने के लिए भी करते हैं और एक मछली के जो लार्वा होते हैं, जो अपने मच्छर के जो लार्वा होते हैं उसको भी ग्रो करने नहीं देता है, क्योंकि अपने एक लेयर बना लेते हैं ऊपर में। तो काफी ज्यादा इसका उपयोग है और ये काफी ज्यादा अपना बायोमास बनाता है, इसके चलते इसका उपयोग चाइना में मेनली धान की खेती के लिए उपयोग किया जाता है। ये वातावरण के नाइट्रोजन को डायरेक्ट अवशोषित करके ये अपना पानी में ही यूरिया बना देता है, जिससे कि आपको बाहर से उसको नाइट्रोजन का पदार्थ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये चावल की खेती में काफी ज्यादा सहभागिता दिखाता है और हमने ऊपर में भी एजोला लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो में, ये कुछ ही दिनों में फैल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको भी एजोला की जरूरत है तो हमें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको बाई पोस्ट भेज दिया जाएगा कुरियर के जरिए, आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको जरूरत है तो हमें ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से ट्रेवल विद मी में जुड़े रहिए डॉक्टर मानी के साथ और मैं आपको सारी जानकारी ट्रेवल करते हुए देते रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको भी एजोला की ज़रूरत है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर के विद इन 7 डे में आपको एजोला अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा में और भी कुछ जानकारी हो तो हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे साइट में जाके विजिट कर सकते हैं, हमारे साइट का डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।